हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में क्लास 8 के फिजिकल एजुकेशन का लास्ट चैप्टर करेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन आंसर भी आपके चैप्टर से ही है, एक्स्ट्रा नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ अवेयरनेस अबाउट नारकोटिक्स। नारकोटिक्स क्या होते हैं? वो इंटॉक्सिकेंट होते हैं, वो ऐसे पदार्थ होते हैं बेसिकली, जिसे हम क्या कहते हैं, नशा वाले, ठीक है। जो क्या करते हैं, हमारी जो माइंड की जो एबिलिटी होती है ना, थिंकिंग एबिलिटी, उसे बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। उसके बारे में किसको अवेयर करवाना, यहाँ पे स्टूडेंट्स को अवेयर करवाना उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के बारे में। सो फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। नारकोटिक्स आर द ड्रग्स विच मेक अ पर्सन लूज हिज और हर मेंटल एंड फिजिकल बैलेंस। वो ड्रग्स होते हैं जो एक इंसान के उसकी मेंटल सोचने की पावर और फिजिकल काम करने की पावर को भी क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ चेंज कैन बी सीन इन देयर बिहेवियर। उसके बहुत ही, उसके जो बिहेवियर होता है ना, उसमें बहुत सारा चेंजेस आ जाता है। उसके गेस्चर भी चेंज हो जाते हैं, उसकी पर्सनैलिटी भी बिल्कुल चेंज हो जाती है, और एंड में वो क्या करता है, उसके जो सेंसेस होते हैं ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ये ओनली एक पर्सन की बॉडी को इफेक्ट नहीं करती, बल्कि उसकी साइकी को भी इफेक्ट करती है, जिसके कारण उसकी जो सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस होता है फैमिली का, और उसकी सोसाइटी में जो उसका स्टेटस होता है, वो बुरी तरह क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जिसके कारण उसकी जो फैमिली लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है। वो अपनी फैमिली का जो ट्रस्ट होता है वो सारा फिनिश हो जाता है। शंड बाय हिज फ्रेंड, उसकी जो के कहते हैं जो फ्रेंड्स होते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं, उससे दूर रहने लग जाते हैं, और वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, अकेला हो जाता है, और उसके ऊपर किसका नशा होता है, ड्रग्स का होता है असर सारा। देयरफॉर इसलिए हमें चाहिए कि हमें ऐसे जो इंटॉक्सिकेंट पदार्थ होते हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। अब है रीज़न, कि रीज़न क्या है कि जो चीज़ें हैं ये बढ़ क्यों रही है, उसके रीज़न क्या है, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सो रीज़न ऑफ इंक्रीजिंग क्या है, सोशल रीज़न। फर्स्ट इज सोशल रीज़न मीन्स हमारी सोसाइटी, जो चिल्ड्रन है, अगर हम यहाँ पे बच्चों की बात कर रहे हैं, वो अपने सराउंडिंग को देख के भी क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम मूवीज़ देखते हैं, अपने आसपास के अगर हमारे फ्रेंड सर्कल हमारे ड्रग्स वगैरह ले रहे होते हैं तो हम भी उनकी कॉपी करने लग जाते हैं। और समटाइम जो सीन्स होते हैं मूवीज़ देख रहे होते हैं, उसमें सीन्स में क्या होते हैं, जो करेक्टर है जो हमें पसंद होता है, वो समटाइम क्या करता है, उन पदार्थों का जैसे सिगरेट का, शराब का, वो क्या कर रहा होता है, यूज़ कर रहा होता है, जिसके कारण बहुत सारे जो पर्सनस हैं उससे क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। और सेकेंडली है कि आजकल जो सॉन्ग्स भी अगर हम सुनते हैं ना, उसमें भी इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अगर हम सॉन्ग में ये जो चीज़ें यूज़ करते हैं, वो किसका सिंबल बन रहा है, एक ग्लोरी का सिंगल बन चुका है। इन दिस मैनर जो चिल्ड्रन है वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं जब उसकी इमिटेटिंग मीन्स नकल करते हैं इन सीन्स की, और वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। सेकंड इज़ ब्रेकिंग ऑफ फैमिली रिलेशन। फैमिली रिलेशन आपका ब्रेकडाउन होना, मदर फादर का डिवोर्स होना, घर में आपस में कन्फ्लिक्ट होना, बहुत सारे लड़ाई झगड़े होना, ये भी एक रीज़न है जो बच्चे हैं वो ड्रग्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। चाइल्ड में एडिक्टेड है क्योंकि उनके पेरेंट्स डिस्प्यूट करते हैं, समटाइम जो एक घर का एटमोसफियर होता है वो भी बच्चे को स्पॉइल कर देता है, खराब कर देता है, जिसके कारण जो बच्चे हैं वो कहाँ चले जाते हैं, ड्रग्स के यूज़ में चले जाते हैं, ठीक है। यूजली अगर हम पेरेंट्स की बात करें, वो अपने बच्चों को कैसे स्पॉइल करें, ख़राब करें, कि उन्हें लव, बहुत ज़्यादा लव देके, पैम्परिंग बहुत ज़्यादा उनकी पैम्पर करके, उनको लाड प्यार करके, जिसके कारण जब चिल्ड्रन है, रियलिटी ऑफ चाइल्ड डजंट कम टू द लैम लैंड डू टू द, जिसके कारण जो चाइल्ड है वो अपने माता पिता के प्यार में इतना कई बार इतना धस जाता है, इतने लव में फंस जाता है, कि वो क्या करता है, वो अपने उस चीज़ से दूर होने के लिए वो ड्रग्स का सहारा लेता है। इन सच अ सिचुएशन जो स्टूडेंट है बहुत फास्टली स्टडी में बहुत फास्टली ड्रग्स का सहारा लेता है। कई बार पीर ग्रुप में जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके क्लासमेट होते हैं, समटाइम कोलीग्स होते हैं, उसमें भी जो चिल्ड्रन है अपने इकोनॉमिक स्टेटस को दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, ड्रग्स का सहारा लेते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी ऑफ फ्रेंड, कि आपकी कंपनी जिस कंपनी में रह रहे हो, ग्रुप सर्कल में रह रहे हो, अगर उसमें सारे ही सिगरेट पीते हैं तो आप भी उनकी देखा देखी क्या करोगे, सिगरेट पीना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। ये आपकी सोसाइटी, आपका फ्रेंड सर्कल, आपका घर का एटमोसफियर भी आपको इफ़ेक्ट करता है इन चीज़ों की तरफ रुझान के लिए।
फिफ्थ पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने भी हमारी जो इस ड्रग्स के यूज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होती है रिगार्डिंग सिगरेट की, शराब की, तंबाकू की, जिसके कारण जो बच्चे हैं उन चीज़ों में अट्रैक्ट होते हैं। वहाँ पे वो चीज़ें इतनी ज़्यादा ग्लोरीफाई मैनर में दिखाई जाती है कि बच्चों को ये लगता है कि इस चीज़ के पीने से या फिर यूज़ करने के कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं है। बट वो हार्मफुल इफ़ेक्ट अभी नहीं होते, शॉर्ट टर्म आपको इतने नहीं आपको इफ़ेक्ट करेंगे, बट लॉन्ग टर्म उसके बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट है। अब हम हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की बात करें तो नाउ डेज हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बिकम मेजर प्रॉब्लम बन चुका है सोसाइटी का। ये हमारी एक बॉडी की जो पर्सन यूज़ कर रहा है उसकी बॉडी, उसकी फैमिली और उसकी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण जो ह्यूमन है उसका जो माइंड है वो और उसका जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती जा रही है। अब इफ़ेक्ट ऑफ बॉडी की बात करें तो इसके क्या इफ़ेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी डाइजेशन रिलेटेड डिसीज़ हो जाते हैं, हमें कैंसर का रिस्क हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लग जाता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण हमें हार्ट अटैक की भी रिस्क अराइज होता है। और जो पर्सन है उसकी सोचने की, थिंक करने की और उसकी याद रखने की कोशिश जो क्षमता होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। और उसके जो लिम्स होते हैं, जो उसके पैर हाथ वगैरह, वो शेक करने लग जाते हैं, उनके हाथ आप विदाउट किसी रीज़न वो शेक कर रहे होते हैं। और उनके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो भी अपने सेंसेस को ख़त्म कर देते हैं, वो बिल्कुल ही ग्रेजुअली लॉस कर देते हैं। सेकंड इज उनके बिहेवियर में इफ़ेक्ट, एडवर्स इफेक्ट ऑन द बिहेवियर। बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा होता है, वो जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा रूढ़ी रहने लग जाता है, उसका माइंड बहुत ज़्यादा जल्दी से स्विच होता है, जिसके कारण वो अपने फ्रेंड फैमिली किसी से भी विदाउट किसी एनी रीज़न उनके साथ क्वारल करता है, कन्फ्लिक्ट करता है, जिसके कारण उसके जो पेरेंट्स होते हैं या फिर उसके जो फ्रेंड सर्कल होता है उसे अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज़ इफेक्ट ऑन द सोशल लाइफ। जो हमारी सोशल लाइफ है, सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं, उसका भी अगर हम ड्रग्स यूज़ करते हैं उससे इफेक्ट होते हैं। क्या इफेक्ट होते हैं, क्योंकि एक पर्सन है वो अपना सोचने की मेमोरी, उसकी पावर लूज़ हो जाती है ड्रग के यूज़ करने के कारण, जिसके कारण जो सोसाइटी के मेंबर है उसे बुलाना नहीं पसंद करते। नोबडी लाइक टू कम नियर टू डैट पर्सन, उसकी रिस्पेक्ट होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसका करैक्टर भी जो पहले अच्छा होता है बट आफ्टर द यूज़ ऑफ ड्रग वो भी क्या होता है, डे बाई डे ख़त्म होता जा रहा है, जिसके कारण लोग उसे बुलाना पसंद नहीं करते। नाउ ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन क्या होते हैं कि एक पर्सन है वो इतना ज़्यादा एडिक्ट हो जाता है उस चीज़ को लेके कि वो उसके विदाउट यूज़ के बिना रह ही नहीं सकता, जिसके कारण हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे सेंटर बने हुए हैं जहाँ पे वो नशा, जिसे हम नशा छुड़ाओ केंद्र कहते हैं, वहाँ पे जाके लोग जाते हैं, अपने एडमिशन करते हैं एक टाइप की, और वो उन्हें हमें हेल्प करते हैं ताकि बच्चे इससे दूर हो सके। द एडिक्टेड पर्सन शुड बी प्रिपेयर मेंटली टू गिव अप द नैरोकेटिक बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड। अगर आपने ड्रग्स का इस्तेमाल करने से दूर होना तो आपके पास फॉलोइंग मेथड बताएगी कैसे आप अपने आप को इनसे दूर कर सकते। फर्स्ट इज मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है। अगर हम एक बच्चे को प्रेरित करेंगे कि नहीं तुमने ये चीज़ नहीं करनी है, नहीं करनी है, बार बार हम उसे प्रेरित करेंगे, प्यार से समझाएंगे, तो एक बच्चा है उस चीज़ को नहीं करेगा, ठीक है। मोटिवेशन पेरेंट्स एंड टीचर प्ले इंपॉर्टेंट रोल है ताकि वो अवॉइड करे। यहाँ पे मोटिवेशन किस में दे रहे हैं कि अवॉइड द यूज ऑफ नैरोगेटिक्स, ठीक है। दे शुड क्रिएट अवेयरनेस क्रिएट करें और ड्रग्स के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में, ताकि जो स्टूडेंट है वो अपना माइंड उससे दूर हटाए। साइकोलॉजिकल मेथड की बात करें, हमें ऐसा फ्रेंडली और सिंपैथिक बिहेवियर अडॉप्ट करना चाहिए उस पेशेंट के साथ, ठीक है। उससे हमें प्यार से बात करनी चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए। थर्ड इज़ योगा। सो देखो योगा इज़ अ गिफ्ट। योगा से हमारा माइंड, हमारी बॉडी सारी क्या हो जाती है, बहुत फ्रेश है, हम फील करते हैं। सो अगर हम योगा भी करेंगे तब भी हमारा जो माइंड होगा वो डाइवर्ट होगा, ठीक है। तो हमारी जो मेंटल स्ट्रेस, हमारी मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस होगी वो भी क्या होगी, रिमूव होगी। नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ फैमिली। फैमिली भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फैमिली अपने बच्चों को समझा सकती है, ठीक है, कि वो कि उसका यूज़ ना करें, ठीक है, उन्हें लव देगी, अफेक्शन देगी बच्चों को, ताकि वो कभी भी अकेला ना महसूस करें। क्योंकि मोस्टली जब बच्चे अकेला महसूस करते हैं, उसके अपने फैमिली और अपने फ्रेंड सर्कल से कोई प्यार नहीं मिलता, तो वो कहाँ जाते हैं, वो ड्रग्स के यूज़ की तरफ जाते हैं, ठीक है। स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट। अगर आप स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान देते हो, अगर आप सिंगिंग डांसिंग की तरफ ध्यान देते हो, तब भी आपका माइंड डाइवर्ट होता है, ठीक है। तब भी आप क्या करोगे,
इन चीज़ों की तरफ जाओगे तो आप फिज़िकली भी आप फिट रहोगे, आपके पास फ्री टाइम होगा, आप उस फ्री टाइम में आप इन चीज़ों की तरफ भागोगे, ना कि आप ड्रग की यूज़ की तरफ भागोगे। ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार, कि सेमिनार ऑर्गेनाइज करना, कैंप ऑर्गेनाइज करना जिसमें लोगों को अवेयर करवाना रिगार्डिंग द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ नारकोटिक्स और ड्रग्स या इंटॉक्सिकेंट, ताकि लोग अगर उसके बारे में अवेयर होंगे तो उसका यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है ना। फ्रेंडली एटीट्यूड, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी बच्चे को ड्रग के यूज़ से कम करना है, उसके इस्तेमाल से भगाना है, दूर करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा उसके साथ अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंडली बिहेवियर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर नहीं करेंगे तो बच्चा क्या होगा, वो उस चीज़ की तरफ भागेगा। ठीक है, विद दिस आपका ये चैप्टर कम्प्लीट हो जाता है। हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, सॉरी गलती से चैप्टर नंबर 7 की PDF आ गए हैं। नाउ चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन आंसर, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द यूज़ ऑफ नारकोटिक्स, के उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। नाउ डेज जो ड्रग है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनती जा रही है सोसाइटी की, ड्रग्स के कारण हमारा जो माइंड और बॉडी है वो पूरी तरह इफेक्ट्स होता है, हमारी सोशल लाइफ भी इफेक्ट होती है, हमारे फैमिली मेम्बर्स से हमारे कन्फ्लिक्ट होते हैं, एक पर्सन है वो अपना बिहेवियर पे उसका कंट्रोल होने लूज़ हो जाता है। ठीक है, वो अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ क्वारल करता है, जिसके कारण उसकी सोसाइटी भी उसे बुलाना पसंद नहीं करती। ये थे इफेक्ट्स। रीज़न की बात करें तो रीज़न क्या है, जो स्टूडेंट है समटाइम मूवीज़ को देख के, फिल्म एक्टर्स को देख के, ठीक है, वो क्या करते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। समटाइम एक ब्रोकन मैरिज भी जो क्या है इसका रीज़न है, कि जो बच्चे हैं वो ड्रग के यूज़ की तरफ इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, समटाइम जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर देते हैं, और समटाइम जिस फ्रेंड कंपनी में रहते हैं, जिस फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, अगर उनमें से कोई जो पर्सन है ड्रग का यूज़ करता है, तो वो भी हमारा एक रीज़न है कि हम ड्रग का हम यूज़ करें। और समटाइम अपने इकोनॉमिक स्टेटस को शो ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ड्रग का यूज़ करते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करें तो अभी हम पढ़कर आते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, मेटाबॉलिज्म, ये सारा अच्छे से इफेक्ट हो जाता है, हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें कैंसर का रिस्क हो सकता है, हमारी जो मेंटल, हमारी जो थिंकिंग पावर है वो बिल्कुल ज़रा ख़त्म हो जाती है, हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ कन्फ्लिक्ट होते हैं, और जो सोसाइटी में जो हमारा स्टेटस होता है वो हमारा डे बाई डे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज मेजरमेंट, आप कैसे एक पर्सन को ड्रग एडिक्शन से बचाओगे, मोटिवेट करके, योगासन करके। ठीक है, रोल ऑफ फैमिली का, स्पोर्ट का, एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करके, और फैमिली मेम्बर्स का एटीट्यूड कैसा होगा उस पर्सन के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है एक पर्सन को ड्रग से बचाने के लिए। ठीक है, विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching this video.